चले तो इंडिया एट नाइन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। टोंक से बड़ी खबर मिल रही है, जहां काफिला बाजार स्थित दुकान में आग लग गई है। काफिला जामा मस्जिद के नीचे स्थित है दुकान जहां पर आग लगी। मौके पर जमा हुई है भारी भीड़। तो ये बड़ी खबर, पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा। नगर परिषद का अग्निशमन दस्ता मौके पर पहुंचा है और आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। दिए से आग लगने की खबर इस वक्त सामने आ रही, तस्वीरें आपके सामने, काफी नुकसान यहां पर भी बताया जा रहा, लेकिन इस वक्त फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है ताकि आग को बुझाया जा सके। कड़ी मशक्कत की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त टोंक से आ रही है। बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आग की लपटों को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना विकराल रूप यह आग ले चुके हैं, और अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भारी नुकसान यहां पर हुआ होगा। जानकारी के मुताबिक जो दिए जलाए गए थे दीपावली के मौके पर, त्योहारी सीजन के मौके पर, उस दिए की वजह से दुकान में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इसमें लाखों के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। तो पुरुषोत्तम जोशी इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। पुरुषोत्तम, क्या कुछ इस वक्त अपडेट है? आग को बुझा लिया गया, कितना नुकसान हुआ है और कैसे यह आग लगी, कंफर्म हो पाया पूरा? जी देखिए, बिल्कुल, जिस तरह से आज दीपोत्सव के आज दूसरा दिन था, तो उसके बाद ही आज अभी देर शाम को दुकानों के बाहर दिए जलाकर व्यापारी अपने घर लौट चुके थे। इसी दौरान उस दिए की लो से ने आग पकड़ी और आग इतनी भयंकर हुई कि उस दुकान के अंदर पूरा रखा हुआ जो सामान था वो जल के राख हो गया है। जैसे आग की सूचना अग्निशमन केंद्र पर पहुंची तो नगर परिषद का जो अग्निशमन दस्ता है वो मौके पर पहुंचा और आग को काबू किए जाने के प्रयास अभी भी लगातार जा रहे हैं। अभी भी लगातार जो आग है वो उठ रही है और जो आग की लपटें हैं वो साफ देख सकते हैं कि हमारी ये टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शकों के लिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो इस समय यहाँ पर आग लगी हुई। फिलहाल इसे काबू में करने की कोशिशें की जा रही है। मौके पर जो है नगर परिषद के अधिकारी मौजूद है, पुलिस के अधिकारी मौजूद है और आसपास की जो भीड़ है वो भी मौके पर है, जिसको पुलिस के दस्ते ने वहां से तितर-बितर भी किया है। क्या ये झुग्गी टाइप की कुछ दुकान थी जिसमें आग लगा, जिस तरीके से वहां पर देखा जा रहा है? दरअसल ये एक किराना की दुकान थी, उसके पास में दो तीन और दुकानें थी, उन दुकानों के अंदर ये अचानक से आग लगी और फिलहाल जो है आग के कारणों का और भी अभी तक पता किया। बिल्कुल सही पुरुषोत्तम, साफ तौर पर यह है कि आग बुझाने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन काफी नुकसान बताया जा रहा है। पुलिस भी मौके पर है, फायर ब्रिगेड भी मौके पर है और आग बुझाने के लिए लगातार मशक्कत जारी। धन्यवाद। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और जैसा हम आपको बता रहे हैं, वक्त रहते दमकल की गाड़ियां वहां पर मौके पर पहुंच गई, वरना तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग दूसरी दुकानों को भी अपनी जद में ले सकती थी और बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन लोगों की सूचना पर फौरन फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और मौके पर आग बुझाने का काम शुरू किया गया। तो देख सकते हैं आप, काफी थदकती हुई आग और जिस वक्त सूचना मिली पुलिस को, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड को भी बुला लिया गया है, आग बुझाने का काम जारी।